ऊहापोह की स्थिति थी और आपका नाम सामने आया और आज वो दिन आ गया है। अमेठी की जनता आज वोट डालेगी। सुबह सुबह हम देख रहे हैं आप दर्शन करके टीका लगा के बकायदा आप निकल गए हैं सड़कों पर, अपनी जनता से मिल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या उम्मीदें हैं और क्या मन में लेकर चल रहे हैं सर आज? नहीं, बस ये है कि उम्मीदें तो जनता ने अच्छा साथ दिया है तो परिणाम भी अच्छा होना चाहिए। जिस तरह से स्मृति जी कह रही हैं कि चले गए, छोड़ के चले गए, अब शर्मा जी क्या करेंगे? देखिए, उनकी बात का मैं कोई जवाब नहीं देता। जो चीज जनता के मन में है वो जनता आज वोट करेगी और 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। सर, आप भी पुराने एक तरह से वेटरन हैं, अगर देखा जाए तो इतना चुनाव कैंपेनिंग निकल गया, तमाम लोग आए बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से तमाम बड़े नेता आए, क्या सोच रहे हैं आप, किस दिशा में जनता सोच रही है और क्या उम्मीदें हैं अगर देखा जाए? नहीं, देखो जहां तक है कि क्योंकि जब जनता चुनाव लड़ने लग जाती है तो मतलब फिर बहुत चीजें बदल जाती हैं, क्योंकि मतलब आप झूठे वादे करके जनता को बहला नहीं सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए जनता ठीक है 3 साल सत्ता शासन है आपका, आप उनको दबा सकते हो, लेकिन चौथे या पांचवें ईयर में जनता अपना मन बना चुकी होती है कि अगला डिसीजन क्या लेना है। ठीक है, तो अब वही चीज है, हम लोग उसी पे डिपेंड करते हैं, अपने काम जो हमने पीछे किए हैं वो, और इनके जो इन्होंने हमारे काम रोके हैं वो हम जनता को बता रहे हैं। हम मुद्दे बता रहे हैं कि महंगाई की बात करो आप, बेरोजगारी की बात करो, छुट्टा सांड की बात करो, उसके बाद फिर आप उसके बाद आ जाओ यहाँ की सड़कों के ऊपर आ जाओ, तो ये सारे मुद्दे हैं हमारे जो लोकल हैं इनके ऊपर है। सबसे ज्यादा यहाँ बिजली के बिल जो लोगों को इतने इतने आ रहे हैं, हर गांव में मतलब इस बिल को लेकर एक समस्या है, तो यही सारी समस्या जिसके ऊपर लेकर इलेक्शन लड़ा हमने। कोई हमने किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करी, आक्षेप नहीं किया, क्योंकि ये हमारे संस्कार नहीं है, तो बस इतना ही है। हाँ, पॉजिटिव तरीके से इलेक्शन लड़ा और पॉजिटिव तरीके से रहेंगे भी आगे। क्या कहना चाहेंगे जनता सर? जनता का जो है विकास रुका है, जनता की डिमांड है कि उसको शुरू किया जाए। फिर आदरणीय राहुल जी उस दिन बोल के भी गए, जो चीज रायबरेली में होगी वो अमेठी में भी होगी, तो मेरे को बड़ा बल मिला उनसे। ठीक है, यही सारा ठीक है।